सेवकों की हड़ताल अपने विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को 14वें दिन भी जारी रही, लेकिन सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का सकारात्मक पहल न होने से ग्रामीण डाक सेवकों का हड़ताल उग्र रूप ले लिया, जिसके तहत आज सोमवार को ग्रामीण डाक सेवकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 100 यात्रा निकाला। 100 यात्रा प्रधान डाकघर से शुरू होकर शहर का भ्रमण करते हुए सुभाष चौक पहुंची। 100 यात्रा के दौरान ग्रामीण डाक सेवकों ने मर गया मोदी, मोदी मुर्दाबाद, अरुण जेटली मुर्दाबाद आदि के नारे लगाते हुए 100 यात्रा लेकर पूरे शहर में भ्रमण कर रहे थे। सुभाष चौक पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांकेतिक 100 यात्रा का अंतिम संस्कार किया और मोदी मुर्दाबाद के नारे जमकर लगाए। आपको बता दें कि अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक शाखा का बेमियादी हड़ताल आज 14वां दिन भी जारी रहा। अपने घोषित कार्यक्रम को लेकर संघ ने 4 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 100 यात्रा निकाला। निर्णय के तहत हड़ताल पर बैठे डाक सेवकों ने सोमवार को प्रधान डाकघर से 100 यात्रा के साथ शहर में भ्रमण किए। सुभाष चौक के पास सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए 100 यात्रा का अंतिम संस्कार किया। इसके पूर्व चरणबद्ध आंदोलन के तहत शुक्रवार को प्रधान डाकघर के मुख्य द्वार पर डाक कर्मियों ने अर्धनंग प्रदर्शन किया था। 100 यात्रा का नेतृत्व संघ के सचिव सर्वेश कुमार ने किया। सचिव सर्वेश कुमार ने कहा कि देश भर में 1,29,000 डाकघर शाखा गांव में हैं, जहां डाक सेवकों का आंदोलन जारी है। ग्रामीण डाक सेवक 6,000 से 7,000 रुपया वेतन में बंधुआ मजदूर की तरह 8 से 10 घंटा काम करते हैं। डाक सेवकों को 3 वर्षों से 7वां वेतन नहीं मिल रहा। वेतन बढ़ोतरी की मांग पर अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है और जब तक मांग पूरी नहीं होगी यह हड़ताल जारी रहेगी। हम लोग ग्रामीण डाक सेवक हैं। चुप रहिएगा भैया। सर, पूरे भारत देश में 2,70,000 कर्मचारी हैं, जबकि 1/1/2016 के हिसाब से वेतन भारत सरकार द्वारा सभी कर्मचारियों को दिया गया है, लेकिन हम लोग को 18 माह पूर्व भारत सरकार को उन्होंने जो कमेटी बनाई थी, कमिश्नर द्वारा जो कमेटी बनाई थी, वो भारत सरकार को 18 माह पूर्व ही रिपोर्ट सौंप दिया है, परंतु उन्होंने अभी तक हमारे रिपोर्ट को लागू नहीं किए हैं, क्योंकि इससे पूर्व भी हम लोग अगस्त 2017 में स्ट्राइक किया हुआ था, लेकिन उन्होंने हमारे विभाग ने 2 महीने का अभी टाइम मांगा था कि 2 महीने के अंदर आप लोगों को मांग पूरी कर देंगे, आप लोग स्ट्राइक तोड़ दीजिए। 2 महीने के वजह से 11 महीने बीत गया, फिर भी भारत सरकार ने हमारे मांग को पूरी नहीं की। अंततः हम लोग 5/6/2018 से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का पूरे देश में आह्वान किया है और 13-14 दिन बीत जाने के बाद आज आप लोग यहाँ नरेंद्र मोदी का पुतला जला रहे हैं, उसके बारे में आपको क्या कहना है? आज भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी पूरे आह्वान करते चले हैं कि कोई भी भारत सरकार के कर्मचारी हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम करता हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, किसी का 18,000 से वेतन कम नहीं रहेगा। और खास करके डाक विभाग के द्वारा इन्होंने आश्वासन दिया था कि आपका 18,000 से कम नहीं रहेगा। और हम लोग पूरे देश में 2,70,000 कर्मचारी हैं और विभाग का मुख्य जड़ है, मुख्य काम करता है, 8 से 10 घंटा काम कर रहे हैं, फिर भी हमको विभाग के तौर पे 6 से 7 हज़ार का पेमेंट मिलती है। मुख्यमंत्री को भी 24 तारीख को लेटर दिया था, उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि आप लोगों का मांग को हम सरकार भारत सरकार के यहाँ पहुँचाएंगे और आप लोगों को इसकी सूचना देंगे, लेकिन अभी तक मतलब हम लोग को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ है, जबकि ये ऐसा प्रोग्राम, इससे भी विशाल प्रोग्राम पूरे मेरा भारत देश में चल रहा है। मतलब आप लोग चौक में क्या कर रहे हैं? हम लोग माननीय प्रधानमंत्री का 100 यात्रा निकाल करके उनका पुतला दहन का कार्यक्रम किए हुए। भारत वर्ष में आज हमारे प्रधानमंत्री का 10 संस्कार किया जा रहा है और अगर इसमें भी नहीं कुछ हुआ तो हम लोग आगे के भी कदम उठाने के लिए तैयार हैं। सरकार हम लोग के ऊपर बहुत अत्याचार कर रही है, करीब करीब 30 महीने लगातार हो चुके हैं, लेकिन आज तक हम लोग को ठगा जा रहा है।
जनवरी में इसका लागू कर देंगे, फरवरी में कर देंगे, मार्च कर देंगे, इसी तरह से ठीक है। 30 महीना आज हम लोग यहाँ अपने हक अधिकार को लेकर हम लोग आज लड़ रहे हैं। हम लोग चूँकि आज 18 माह बीत जाने के बाद भी केंद्र सरकार ने हम लोग अभी तक कोई पहल नहीं किया है, उसी से सारे रामगढ़ जिला के ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारी ने अग्र होकर बाध्य होकर आज यहाँ सुभाष चौक में नरेंद्र मोदी का शव यात्रा निकाल कर आज हम लोग को उनकी पूरी नियम के आधार पर, हिंदू रीति रिवाज के आधार पर आज उनका यहाँ पे हम लोग अंतिम संस्कार यहाँ पे करेंगे। पूरे भारतवर्ष में 22 मई से हड़ताल पर हैं, लेकिन हमारी सूद लेने वाला भारत सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं किया गया है, इसलिए भारत सरकार के यानी प्रधानमंत्री के विरोध में उनका माननीय प्रधानमंत्री का शव यात्रा प्रधानाकर से सुभाष चौक निकाला गया और यहाँ उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। पहली बार एसी मैरिज हॉल आपके और आपके पूरे परिवार के लिए, जी हाँ, गणक मैरिज हॉल सकौड़ी कॉम्प्लेक्स बार्गेन बाजार के पीछे रामगढ़ कैंट रामगढ़। बुकिंग के लिए संपर्क करें 9431957975, 9386403891। न्यूज़लैंड्स में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है